हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एसआई वैकेंसी 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020 मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों के लगातार डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं क्या कि कोई पूछ रहा है सर पहले पेपर होगा, कोई पूछ रहा है कि सर पहले हम लोगों का फिजिकल होगा, किसी का कोच किसी का कोच, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं। इसलिए मैं एक साथ रिप्लाई किसी का नहीं कर पाता, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको वीडियो आती है पसंद तो प्लीज इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के बाजू में आपको दिख रहा होगा क्या बेल आइकन, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं हर एक डिटेल्स को। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में, जहां पर मैंने आपका सबसे पहला डाउट लिया जो कि बेहद बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके डाउट्स का आंसर दूं, कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या कि दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे दिन और रात से एक से बढ़कर एक नोटिस जारी हो रहे हैं जो कि बिल्कुल फर्जी हैं और वायरल हो रहे हैं। फैंस, आप लोगों के लिए मैं यहां पर जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो जानकारी देने वाला हूं, उसका आधार वो नोटिस बिल्कुल नहीं है जो कि आप लोग दिन और रात से देख रहे होंगे, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि एक से बढ़कर एक नोटिस वायरल हो रहे हैं जो कि बिल्कुल फर्जी है। फैंस, मैं यहाँ पर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मेरे अपने रिलेटिव्स जो कि पुलिस लाइन में हैं, उनके द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप लोगों की जो जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों जी हां फैंस, मेरे अपने रिलेटिव्स जो कि पुलिस लाइन में हैं और उन लोगों के लिए आदेश जारी हो गए हैं, उनके बताए अनुसार मैं यहां पर जो जानकारी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, ना कि किसी फर्जी नोटिस के आधार पर। तो आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र रहें, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप लोगों को गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दी जा रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों का सवाल नंबर वन जो कि मैक्सिमम पूछा जा रहा है, क्या कि सर भर्ती व्यापम करेगा या पुलिस मुख्यालय? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दूं, जैसे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, पता चला है कि आप लोगों की जो भर्ती है वो 101% दोस्तों पुलिस मुख्यालय के द्वारा होने वाली है। रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि उनके लिए आदेश जारी हो गए हैं करीबन 2 महीने पहले, उन लोगों के नाम भी जा चुके हैं कि आप लोग यहाँ पर भर्ती करेंगे। और एक बात ये कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोगों की भर्ती होने वाली है, मतलब कि आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा यदि आप MPPSC के एग्जाम दिए होंगे तो आप उसी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर एग्जाम दे सकते हैं, ना कि किसी अदर स्टेट में जाके। जी हाँ दोस्तों, सेम यही कंडीशन आपके पुलिस एग्जाम में होने वाली है कि आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश का कोई भी जिला हो, आपकी भर्ती उसी जिले में होगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी भर्ती उसी जिले में होगी, आपको किसी अदर जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला डाउट आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आप लोगों की भर्ती वैकेंसी आएगी लेकिन व्यापम के द्वारा नहीं होगी, यहाँ पर होगी किसके द्वारा? पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का फर्स्ट डाउट क्लियर हुआ, अब हम बढ़ते हैं सेकंड डाउट की ओर। अब तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें मैंने आपका सेकंड डाउट लिया है जो कि आप लोगों का मैक्सिमम पूछा जा रहा है। डाउट क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर पहले हम लोगों का पेपर होगा या पहले फिजिकल? जी हाँ दोस्तों, एड डाउट भी बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर पहले ये बताइए हमें कि हमारा पहले पेपर होने वाला है कि या पहले फिजिकल, जिस प्रकार से हम अपनी तैयारी को अंजाम दें। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है ऑफिसर्स के द्वारा, तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 101% पहले क्या होगा? फिजिकल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का पहले फिजिकल होगा इस बार, पुलिस मुख्यालय के ऑफिसर्स आप लोगों का पहले फिजिकल लेंगे, देन इसके बाद आप लोगों का क्या होगा? रिटर्न एग्जाम होगा, पेपर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस भपके में ना रहें कि आपका पहले पेपर होगा, नहीं तो आप पेपर की तैयारी करते रहे और आप लोगों का जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है और आप लोगों का फिजिकल की डेट आ जाती है तो आप कम टाइम में तैयारी बिल्कुल इम्पॉसिबल, जी हाँ दोस्तों, आप कर ही नहीं सकते।
क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रनिंग निकालना बेहद डिफिकल्ट होता है। आपके लिए ये बता दूं दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट पेपर तो निकाल लेते हैं लेकिन वो इसके फिजिकल में रह जाते हैं, कोई दौड़ में तो कोई गोला फेंक में। तो आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी क्या, कि आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर दें। वो इसलिए क्योंकि यदि आपका फिजिकल पहले होगा फ्रेंड्स, तो विश्वास मानिए आप लोग फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे बगैर प्रैक्टिस की। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी करें। और मैंने आप लोगों के लिए थंबनेल में इसलिए बताया था कि फिजिकल की तैयारी आप अभी से करें, वरना हो जाओगे आप आउट फिजिकल से। ओके, तो आप लोगों का जे डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ भाई, हमारा पहले फिजिकल होने वाला है ना कि पेपर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आप लोगों का थर्ड डाउट क्या है, सर सिलेबस बदलेगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह डाउट भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट के द्वारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए बता दूं, जहां तक मुझे प्राप्त है इन्फॉर्मेशन, अभी किसी ऑफिसर्स ने ऐसा नहीं बताया है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज होगा। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों के लिए भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों की 0% प्रायिकता है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज हो, मतलब कहने का आप लोगों का सिलेबस जस का तस रहने वाला है। लेकिन एक बात और है, क्या कि अभी ना तो ऑफिसर्स को पता है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज होगा, और यदि चेंज होगा तो आप लोगों को नोटिस बाकायदा नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर संभावना जाहिर कर सकते हैं कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसा उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप लोग भर्ती करेंगे, जिले वाइज आप लोगों की भर्ती होगी, आप लोगों की ड्यूटी रहेगी आपके जिले में ही भर्ती होगी, इन सभी के उन लोगों से सिग्नेचर बाकायदा करवा लिए गए हैं, ऑफिसर सभी से सिलेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, आप उनको यह निर्देश भी दे दिए जाते कि आप लोग का सिलेबस ऐसे डिसाइड करेंगे, कुछ भी बोला जाता, बट ऐसा उनसे कुछ नहीं बोला गया। तो यहाँ पर बिल्कुल 100% फिक्स हो जाता है कि आप लोगों का सिलेबस चेंज नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है आगे पीछे, जो सिलेबस से कम बड़ा हो सकता है, बट आप चाहें कि बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो बिल्कुल नामुमकिन है। आपका जस का तस मैथ्स, रीजनिंग और एमपीजी के एक ही नहीं जाने वाला, ये तो जस का तस रहने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों का थर्ड डाउट भी क्लियर हो गया, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर। अब डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में, और आप लोगों का चौथा डाउट आ रहा है क्या, कि सर कट ऑफ क्या रहेगा या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आप कट ऑफ का बिल्कुल टेंशन ना पालो। रीजन एक है, क्या कि यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी आपको टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम है किसको, यूआर वालों को। यूआर वालों को भी अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण लागू हो गया है, तो इन लोगों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जस की तस सीट्स रहेंगी, उसी पे फाइट करना है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें क्या कि ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर आरक्षण लागू हो गया है, तो आप ये समझिए कि आपका जो लास्ट ईयर में कट ऑफ गया था, कट ऑफ उतना ही रहेगा, उससे कम जाएगा, बट आप चाहें कि उससे बढ़ के कट ऑफ जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। भले ही कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ है, बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 29% आरक्षण मायने रखता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सुनहरा अवसर है, आप लोग बिल्कुल अभी टाइम ना गवाते हुए अच्छी स्टडी करें और फिजिकल की तैयारी करें, आप जॉब 100% ले लेंगे। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो इनको भी 10% आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो दोस्तों, इन लोगों का कट ऑफ भी कुछ हाई नहीं देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं कितना जा सकता है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा बाकायदा, बट इसमें नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट डाउट, देखते हैं आखिर वो क्या है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम आपका लास्ट डाउट देखने वाले हैं, क्या है, सर नोटिफिकेशन कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा डाउट जिसकी तिथि सुन सुनकर आपके कान पक गए हैं, आप बिल्कुल दिन रात यही बात सुनते हैं कि आज आएगा कल आएगा, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरे रिलेटिव्स के अनुसार बताने वाला हूँ, ना कि किसी फर्जी नोटिस के आधार पर। और ऐसा अभी कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं हुआ है, नोटिस जारी भी नहीं हुआ है, या तो व्यापम के द्वारा या फिर पुलिस मुख्यालय के द्वारा, कि आपकी भर्ती इस तिथि को आ जाएगी या हो जाएगी, आपका नोटिफिकेशन इस डेट को आउट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं,
जिन्हें यह बात बताइए कि जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है दोस्तों, करीबन अभी इसमें 15 से 20 दिन आराम से लगने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, संभावना उन्होंने भी जाहिर की है, उन्होंने फिक्स तिथि नहीं बताई कि आपका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगा या फिर मार्च में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने यह बोला है कि आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगा। यहाँ पर डेट कोई नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं बताई। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दूं, क्योंकि आप मेरे बिल्कुल ऐसे फैंस हैं जिनसे मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, क्या कि दोस्तों उन्होंने अपने जो चाचा के लड़का, कोई बड़े पापा के लड़का है, उन लोगों के लिए अभी से रनिंग के लिए तैयार कर दिया है। मतलब दिन और रात से दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके दो लड़के हैं। आपको इतनी डीपली बता रहा हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। फैंस उन लोग ने अभी से रनिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब फिजिकल तो होने ही वाला है, 100% डन हो गया है। एंड इसके साथ साथ अभी से रनिंग स्टार्ट करवा दी है, तो मतलब है कि वैकेंसी आने ही वाली है। फरवरी में आपको वैकेंसी 100% है कि देखने को मिल जाएगी। मैं यहाँ पर डेट बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता कि इसकी डेट क्या है, कब आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यह तो थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको 100% ट्रू या सत्य दी है। आपको आई हो वीडियो पसंद, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।